नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में बिगड़ती हालात। झारखंड में बार बार ऑक्सीजन के लिए चिल्लाकर गुहार लगाता रहा कोरोना संक्रमित मरीज, आखिर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रात भर ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाता रहा पीड़ित। झारखंड के गढ़वा सदर अस्पताल स्थित कोविड अस्पताल में देर रात तक कोरोना संक्रमित मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी कोविड अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों ने बताया कि रात में वह कह रहा था कि कोई उसे ऑक्सीजन लगा दे, और यही बात को लेकर बार बार चिल्लाने की आवाज़ भी लोगों को सुनी थी, लेकिन सुबह में उसकी आत्महत्या के बाद से अस्पताल में भर्ती अन्य मरीज भी दहशत में आ गए। झारखंड में मानवता शर्मसार, सड़क किनारे शव फेंक कर फरार हो गया एम्बुलेंस चालक। मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली एक घटना से लोग दहशत में है। कोरोना संक्रमण के दौर में शव लेकर आया एम्बुलेंस वाला शव को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया। घटना देर रात की है। यह खबर थाना क्षेत्र में आग की तरह फैली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसके घर तक पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की। झारखंड में अब किन लक्षणों के आधार पर होगी संक्रमितों की पहचान, किसे मिलेगा होम आइसोलेशन और किसे वेंटिलेटर, जानिए। झारखंड में अब लक्षण के आधार पर कोविड संक्रमितों की पहचान कर उनका इलाज होगा। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने इस बाबत एक पत्र सभी उपायुक्तों को, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अधीक्षक, सिविल सर्जन, सभी निजी अस्पतालों के निदेशक, प्रशासक, अधीक्षक तथा सभी अस्पतालों के नोडल अफसर को भेजा है। सचिव ने लिखा है कि हाल ही के दिनों में कोविड 19 की दूसरी लहर में राज्य में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। 2 मई को होने वाली जेपीएससी सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा स्थगित हो गई है, जानिए परीक्षा की संभावित तिथि। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। इस क्रम में 2 मई 2021 को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। आयोग द्वारा सोमवार को इस बारे में विधिवत घोषणा की जाएगी। जानकारी के अनुसार हालात सुधरते तो आयोग द्वारा 4 सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा जून में लिए जाने की संभावना है। सरकारी शिक्षकों को आना होगा स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों की भी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक शिक्षकों की उपस्थिति 50% रहेगी। वहीं शिक्षा विभाग के सभी कार्यकालों में भी 50% उपस्थिति रहेगी। गौरतलब है कि राज्य के कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से मौत के मामले में लोगों की चिंता बढ़ रहा है। झारखंड में पंचायत चुनाव। झारखंड में जिस प्रकार से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और झारखंड सरकार की एक के बाद एक पाबंदियां और परीक्षाएं भी एक के बाद एक स्थगित हो रही है, इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वर्ष भी पंचायत चुनाव की संभावनाएं कम दिखाई दे रहा है। जैसे ही पंचायत चुनाव का कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। झारखंड में कोरोना को लेकर 25 अप्रैल तक कोर्ट की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे वकील। कोरोना का असर अब सीधे न्यायपालिका पर दिखने लगा है। लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे अधिवक्ताओं को देखते हुए बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक वर्चुअल सुनवाई में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। वहीं रांची बार काउंसिल ने संयुक्त सचिव पवन खत्री ने कहा है कि इस कोरोना काल में बहुत अधिक अधिवक्ता कोरोना के संक्रमित आए हैं। कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके पूरे परिवार इसके चपेट में है, और कई बड़ी अधिवक्ताओं की मृत्यु भी कोरोना से हो चुकी है, जिसे देखते हुए इस बार काउंसिल ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि 25 अप्रैल तक किसी भी तरह के न्यायिक कार्य में अधिवक्ता भाग नहीं लेंगे। यह अधिवक्ताओं द्वारा लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन है। झारखंड रिम्स की ओपीडी सर्विस बंद करने का फैसला। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सभी तरह की ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है।
रिम्स प्रबंधन का कहना है कि कोरोना संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके डॉक्टरों के साथ साथ मरीजों को भी संक्रमण का फैलने की संभावना है। हालांकि इसके बदले ईओपीडी की सुविधा शुरू की जाएगी। ईओपीडी के लिए रिम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम काम करेगी। लोग फोन पर या वीडियो कॉलिंग कर अपनी समस्या बताएंगे और डॉक्टर उन्हें अपना परामर्श देंगे। झारखंड के सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स के सैकड़ों पदों पर होगी भर्ती। रिम्स ने निकाली वैकेंसी। अगर आपने नर्सिंग की पढ़ाई की है तो आपके पास सरकारी अस्पताल में नर्स बनने का मौका है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान यानी रिम्स में स्टाफ नर्स के पदों पर वैकेंसी निकली है। ग्रेड ए के अधीन ये भर्तियां की जा रही है। इन पदों पर लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी। रिम्स रांची ने स्टाफ नर्स के पदों पर नौकरी के लिए आवेदन मांगे हैं। ऑफिशियल जॉब नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आगे दिया गया है। नौकरी के डिटेल पढ़कर अप्लाई करें। प्रेमी की तलाश में मुंबई से झारखंड पहुंची प्रेमिका, ऐसा धोखा मिला कि जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। वो सोचती रही कि उसे उसका प्यार मिल गया, लेकिन प्रेमी का असली चेहरा जब सामने आया तो असलियत देखकर दिल हिल गया। कहानी कुछ इस तरह से, मुंबई की एक लड़की को झारखंड के एक लड़के से प्यार हो जाता है। यह प्यार फेसबुक के जरिए शुरू होता है। धीरे धीरे प्यार की तरफ इतनी बढ़ जाती है कि गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। इसके बाद लड़की अपने प्रेमी की तलाश में पटना से होती हुई झारखंड पहुंचती है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। भारत ने बनाई कोरोना की जांच करने वाली जादुई हथेली, सेकेंडों में बता देती है नतीजा। चेन्नई में केजे अस्पताल के शोधकर्ताओं ने हथेली के साइज की एक ऐसी डिवाइस का आविष्कार किया है जिससे कुछ ही सेकेंडों में व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का पता चल जाता है। रिसर्च का दावा है कि यह डिवाइस कुछ ही सेकेंड में बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन के लेवल, ब्लड प्रेशर और ब्लड काउंट की जानकारी दे देती है। ममता बनर्जी ने की बचे हुए चरणों का मतदान एक साथ कराने की मांग, केंद्र से मांगी ऑक्सीजन। कोरोना के बेकाबू हालात को देखकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लोगों की जिंदगी से खेलने का आरोप लगाया है। ममता ने लोगों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कोरोना वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, टीके के लिए राज्य सरकार भुगतान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार लोगों की जान और आजीविका बचाने के लिए कर रहा है काम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर, देश की अर्थव्यवस्था को होने वाली नुकसान से बचने के लिए कारोबारियों से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के संबंध में विभिन्न उद्योग संगठनों से सलाह ली है और केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर लोगों की जान और आजीविका बचाने के लिए काम करती रहेगी। क्या यूजीसी नेट परीक्षा भी होगी स्थगित, असमंजस में है अभ्यर्थी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को कारण जेई मेन अप्रैल मई सत्र की परीक्षा और नीटी पीजी सहित कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। सीबीएसई ने भी 10वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया है। वहीं अब यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में संशय स्थिति है। हालांकि अभी इस परीक्षा में के पोस्टपोन होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आरआरबी एनटीपीसी कब जारी करेगा 7वें चरण की परीक्षा के एडमिट कार्ड, जाने लेटेस्ट अपडेट। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की आरआरबी एनटीपीसी 7वें चरण की परीक्षा 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होने से पहले परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में जानकारी के लिए बोर्ड की ओर से लिंक एक्टिव किया जाएगा। प्रवेश पत्र में कोई भी गलती होने पर अभ्यर्थी बोर्ड की सूचित कर सकते हैं। एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने की जमकर तारीफ। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत के कार्यों की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जमकर तारीफ की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की तरह ही अन्य देशों को इस क्षेत्र में नवाचार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा मुख्य बधिर पेंटर को पत्र, चुनौतियों का सामना करके ही मनुष्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। आत्मविश्वास के साथ कड़ी चुनौतियों का सामना करके और सकारात्मक सोच के साथ
बाधाओं को पार करने से व्यक्ति जीवन में नई ऊंचाइयों को छूता है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मूकबधिर पेंटर को लिखे पत्र में कही, जिसने उन्हें अपनी एक कृति भेजी। लोकसभा अध्यक्ष बोले, कोरोना को रोकने के लिए सामूहिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभाओं के अध्यक्षों, नेता प्रतिपक्षों और प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। बैठक के दौरान ओम बिरला ने कहा कि विधायिका को और अधिक तत्परता से कर्तव्य होकर निभाना है। कोरोना को रोकने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर रेलवे ने लगाया ब्रेक, कल से कई ट्रेनें बंद। देश में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए महानगरों से लोग पलायन कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद समेत अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौट रहे हैं। इस बीच रेलवे ने कई ट्रेनों को कल से रद्द कर दिया है। पश्चिमी रेलवे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। रेलवे ने लिखा है कि पश्चिमी रेलवे स्टेशनों पर आने और जाने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बीजेपी ने पूछा, आपने दिल्ली में क्यों लागू नहीं किया आयुष्मान भारत योजना, जनता को मिलता बड़ा लाभ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल वाजपेयी ने केजरीवाल सरकार के ऊपर मोदी सरकार की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को लागू न करने और दिल्ली की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा के पहले सत्र में केजरीवाल ने अपने उद्बोधन में कहा था कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करेंगे। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां देगी 1,00,000 फ्रेशर की नौकरी, इनमें टीसीएस, विप्रो सहित इंफोसिस सबसे आगे। यंग प्रोफेशनल के लिए खुशखबरी है, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी 2020-21 में 1,00,000 से ज्यादा फ्रेशर को नौकरी देने की योजना बना रही है। ये पिछले साल से 45% ज्यादा है। इनमें टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसे बड़े नाम शामिल है। कोरोना महामारी के इस दौर में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका फायदा आईटी सेक्टर की कंपनियों को भी हुआ है। जनवरी मार्च के दौरान कंपनियों को साल भर पहले से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। जानिए कहां रुकी है पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त, कब तक मिलेगा पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त अब तक किसानों के पास नहीं पहुंची है, जबकि अप्रैल का महीना आधे से ज्यादा निकल चुका है। यह किस्त अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 के बीच किसानों को मिलनी है। देश के 11,74,00,000 किसान वाली 2,000 रुपये की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का यह इंतजार इस महीने खत्म होता नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार ने अभी तक अप्रैल जुलाई की किस्त अप्रूव नहीं की है, इस वजह से 2 मई से पहले किसानों के खाते में पैसा आने की संभावना कम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा रद्द, कोविड को देखते हुए दोनों देशों का फैसला। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते भारत नहीं आएंगे। कोरोना वायरस की वजह से बने ताजा हालातों को देखते हुए दोनों देशों द्वारा यह फैसला मिलकर लिया गया है। इस बात की जानकारी MEA ने दी है। MEA की तरफ से यह बताया गया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति से तय किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री अगले हफ्ते भारत नहीं आएंगे। दोनों पक्ष आने वाले दिनों में भारत ब्रिटेन संबंधों की योजनाएं शुरू करने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग रखेंगे। इंडियन रेलवे की जबरदस्त तैयारी, देश भर में 3,00,000 आइसोलेशन बेड्स की कर सकता है व्यवस्था। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेलवे भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। रेलवे ने अपने कोचेज की कोविड-19 केयर कोच में परिवर्तन किया है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 16 जोन्स है। इस प्रकार से 4,002 कमेंटेड कोच हैं और न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इन कोविड एयर कोचेज को राज्य के अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बेड्स वाले 50 कोविड-19 आइसोलेशन कोच की व्यवस्था है। इसके अलावा आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी 25 कोच उपलब्ध रहेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक मांग के आधार पर रेलवे देश भर में 3,00,000 आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था कर सकता है। केवल राहुल की कप्तानी पर उठाए आशीष नेहरा ने सवाल, कहा अगले मैच से न करे पारी का आगाज। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 11वें मुकाबले में पंजाब किंग्स 11 के गेंदबाज 196 रनों की विशाल लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहे और टीम को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। कप्तान राहुल ने 51 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली, जिसके बाद कई दिग्गज खिलाड़ी ने उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाए। इसी बीच भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा
केएल राहुल की कप्तानी से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि अगर इस रणनीति के साथ अगर पंजाब को खेलना है तो राहुल को अगले मुकाबले से ओपन नहीं करना चाहिए।